श्रावण मास, सभी शिव भक्तों को श्रावण मास का इंतजार रहता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस शुभ मास में भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर प्रभु का अभिषेक करते हैं, उन्हें भांग धतूरा अर्पण करते हैं और साथ ही पाठ व भजन संगीत से उनका गुणगान करते हैं। इस बार श्रावण मास की शुभ शुरुआत सोमवार के अति शुभ दिन से हुई है और श्रावण मास का अंतिम दिन भी सोमवार को ही आएगा। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार हैं। वैसे तो भक्त श्रावण मास में कांवड़ की यात्रा भी करते हैं और पवित्र नदी का जल भरकर पैदल यात्रा कर शंभू का विधि विधान से अभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन हमें भक्ति करने से नहीं रोका गया है, हमें भी इस शुभ मास में शिव शंकर भगवान की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए और साथ ही व्रत रख तपस्या करनी चाहिए। भगवान शंकर को भोला भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी व आसानी से प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित वरदान प्रदान करते हैं। अगर कोई भक्त 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प लेना चाहता है तो श्रावण मास से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए श्रावण मास में कठिन तपस्या की थी, इसीलिए श्रावण मास में भक्ति करने से मनुष्य के सारे संकट कट जाते हैं। तो आइए हम सभी इस शुभ मास का पूरा लाभ उठाएं और पूजा अर्चना कर भगवान शंकर को मनाएं। चैनल दिव्य की ओर से आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं।